Hello everyone, so you are here on Biology Bubble and today we are going to discuss about sub-aerial stem modification. तो पहले तो हमें समझना होगा what is sub-aerial. Sub-aerial stem कैसी होती है, मतलब stem जो है वो अगर terrestrial plant की है तो वो partially air के touch में भी रहेगी और soil के touch में भी रहेगी. अगर वो किसी aquatic plant की है तो वो एयर के टच में भी रहेगी पार्शियली और पार्शियली वाटर के टच में भी रहेगी. मतलब वो एरियल एयर के टच में रहेगी पार्शियली, तो उसे हम बोलेंगे सब एरियल स्टेम. अब इसकी मॉडिफिकेशन जो है वो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो हम आज इसकी चार मॉडिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज रनर, द सेकेंड वन इज सकर, द थर्ड वन इज स्टोलन एंड द फोर्थ वन इज ऑफसेट. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट रनर. अगर रनर के बारे में हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द प्लांट एंड दीज आर द ब्रांचेस एंड दिस इज इट्स रूट. ये इसकी रूट है, ये पूरा प्लांट है और ये इसकी ब्रांचेस हैं. तो इस प्लांट की जो लोअर ब्रांच है वो ग्रो करेंगी और वो सॉइल के टच में आएंगी, और सॉइल के टच में आने के बाद जो इस ब्रांच का पार्ट है जो सॉइल के अंदर चला गया उसमें जो नोड प्रेजेंट होगी वहां से एडवेंटिशियस रूट ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी और इन एडवेंटिशियस रूट के थ्रू एक नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज रनर. रनर के एग्जाम्पल देखें. सो एग्जाम्पल ऑफ रनर आर ऑक्सैलिस एंड डूब ग्रास. Now let us talk about sucker. For example, this is the main plant body and these are its branches. अब इसकी जो main stem है वो थोड़ी सी underground भी present रहती है, तो जो इसकी main stem है जो कि ground के अंदर present है उससे कुछ branches निकलेंगी और वो कुछ टाइम तक ग्रो करती रहेंगी सॉइल के अंदर, और सॉइल के अंदर ग्रो करने के बाद फिर वो सॉइल से बाहर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी. और जब वो सॉइल से बाहर ग्रो करना स्टार्ट करेंगी तो इस ब्रांच की जो नोड होंगी उससे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी और इन रूट्स के थ्रू एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा. एग्जाम्पल्स जो है सकर के वो है क्राइसैंथेमम और एक एग्जाम्पल है इसका बनाना एंड पाइनएप्पल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टोलन. For example, this is the main plant body and these are its branches. अब इसकी जो lower branch होंगी वो कुछ time तक तो air में ही grow करेंगी, उसके बाद वो underground हो जाएंगी. Underground होने के बाद जो underground branches की nodes होंगी उनसे adventitious roots grow करेंगी और इनके थ्रू एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा. सो दिस इज स्टोलन मॉडिफिकेशन. सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टोलन आर मिंट एंड जैस्मिन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑफसेट. सो ऑफसेट स्टेम मॉडिफिकेशन जो है वो जनरली एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती है और ऐसे एक्वेटिक प्लांट जो कि स्टिल वाटर में प्रेजेंट हो.
यानी वो वाटर बॉडीज जिनका वाटर फ्लो ना कर रहा हो, एक ही जगह पर ठहरा हुआ हो। तो ऑफसेट क्या होते हैं? ऑफसेट में वन इंटरनोड लॉन्ग ब्रांच प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इंटरनोड लॉन्ग ब्रांच, और उसमें टफ्ट ऑफ रूट्स जगह जगह पर प्रेजेंट होती हैं। टफ्ट ऑफ रूट यानी एक रूट्स का गुच्छा सा बन जाता है, और उससे रोजेट पैटर्न में लीफ अराइज होती हैं। रोजेट यानी एक सर्कुलर मैनर में। तो ऑफसेट के एग्जांपल क्या हैं? पिस्टिया एंड वाटर हायसिंथ। जिसे हम ई कॉर्निया भी बोलते हैं। So if you like the video, please like and share the video and press the subscribe button. If you have any doubt regarding these subaerial stem modification, you can ask me in comment section. And thank you for watching the video.